Good morning, everyone. My name is Somesh Pathak, Assistant Professor, Department of Management Studies. The topic of today's discussion is Principles of Management. But before going to the principles of management, let us discuss what is management. So management in a very layman's language is a universal phenomenon. Every organization's business, be it political, cultural, or social, are involved in management because it's the management which helps and directs the various efforts towards a definite purpose. कहने का मतलब यह है कि कोई भी चाहे organization हो, कोई business हो, कोई political entity हो, कोई cultural organization हो या कोई social gathering हो, हर जगह management की requirement होती है. According to Harold Coons, management is an art of getting things done through and with the people in formally organized groups. मतलब management एक art है जिसकी वजह जिससे आप अपना काम करवा सकते हो किसी से. कोई आपसे अपना काम करवा सकता है मैनेजमेंट के थ्रू, आप किसी से अपना काम करा सकते हो मैनेजमेंट के थ्रू. एज पर एफ डब्ल्यू टेलर, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड सी दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. अब काम करवाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर बजट होगा किसी भी काम को करने के लिए. आप उस काम को करने के लिए अब उस बजट को मिनिमम यूटिलाइज करेंगे ताकि आपका मैक्सिमम आउटपुट आ सके. इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए आपको कब, क्या, कैसे और कहाँ पे क्या करना, कैसे करना है, चीपेस्ट वे पॉसिबल. व्हाई डू वी नीड मैनेजमेंट? बेसिकली हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती क्यों है, क्या पर्पस है, व्हाट डज इट फुलफिल? फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ नोइंग व्हाई डू वी नीड मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. द सक्सेस ऑफ एनी मैनेजमेंट वेंचर और कंपनी इज मेजर्ड बाय इट्स अचीवमेंट of the predetermined goals or objectives. Management is a purpose-driven activity. It is a tool which helps use of human and physical resources to fulfill the predetermined goals. मतलब आपका goal already decided होता है कि आपको क्या achieve करना है, कैसे करना है, ये management आपको बताता है. किस तरीके से करना है, कब करना है, कैसे और क्यों करना है, ये सब management के through आपको पता चलता है. For example, the goal of an organization is to get customer satisfaction by producing quality goods, that too at a reasonable prices. So this can be achieved by using management tools and by employing efficient persons and making better use of scarce resources. Kisi bhi organization mein resources are limited. Us resources ka optimum utilization karna so that ki aapka jo output hai wo ekdam maximum aapko achieve hua hai, wo aap management ke se hi kar pate hain. That's why we say ki management is goal oriented. Management integrates man, material and financial resources. आप किसी भी कंपनी में आप काम करेंगे, वहाँ पे या तो मैन इन्वॉल्व होंगे या मटेरियल्स इन्वॉल्व होंगे जिसे हम मशीन्स बोलते हैं, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि कंस्ट्रेंट होते हैं. अब कुछ भी आप खर्च नहीं कर सकते, एक लिमिट होती है हर चीज़ को आप खर्च करने की. एक पर्टिकुलर सपोज एक प्रोजेक्ट है, आपको एक प्रोजेक्ट, आपकी एक डेडलाइन है आपको अचीव करना है, और आपके पास एक ऑलरेडी डिसाइडेड बजट है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करेंगे. उससे ज़्यादा आप जाएंगे तो एफिशिएंसी और एफिकेसी की बात नहीं आ पाएगी. तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बीइंग्स वर्क विद नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक मशीन्स, मटेरियल्स, फाइनेंशियल एसेट्स, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा. सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन लुकिंग एट द होलिस्टिक व्यू एंड इंटीग्रेट्स द थ्री रिसोर्सेज. इट ब्रिंग्स सिनर्जी एंड हार्मनी विच सर्टेनली इम्पैक्ट्स द डिसाइडेड गोल ऑफ द कंपनी. तो मैनेजमेंट का काम है इन तीनों में सिनर्जाइज और हार्मोनियस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना. दैट्स वाई वी से कि मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स मैन, मटेरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस. आपकी एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं. आप एक पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन पता चला कि बाहर की सरकार की पॉलिसीज में कुछ चेंजेस आ गए, तो इसलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस और डायनामिक प्रोसेस है. सो if we look it in this manner, management is an ongoing process. It deals with continuously identifying the problems and seeking solutions for it. Example, if there is a process that has come new in the market, but the company's already framed policies follows a traditional approach, then the management principles decide what and how to go about it. It can look for a policy change or some other alternative without altering the policy can be obtained. Management is flexible in terms of accepting the change brought by external or internal factors. सिर्फ एक मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूस होती है.
एडमिट नहीं होती कि अगर हमने एक पॉलिसी बना ली तो वो हमेशा के लिए रहेगी, नहीं ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस होती है, इट्स डायनेमिक इन नेचर। बाहर की रिक्वायरमेंट जो भी होगी किसी कंपनी से बाहर की, या इंटरनल फैक्टर्स में अगर चेंज आ गए तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट अपनी प्रोसेस को उसके अकॉर्डिंग फ्रेम करता है और उसके अकॉर्डिंग चेंज करता है। मैनेजमेंट्स रेलिवेंस इज ऑल प्रेविलेंट, इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट का जो रेलिवेंस है वो हर एक पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, कि मैनेजमेंट या किसी भी कंपनी के हर एक पार्ट में। मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और बिजनेस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज इट हेल्प्स एंड इनडायरेक्ट वेरियस एफर्ट्स टूवर्ड्स अ डेफिनेट पर्पस। देयरफॉर बी इट अ पॉलिटिकल पार्टी, बिजनेस, यूनिवर्सिटीज और एनी इंस्टीट्यूशन, मैनेजमेंट इज अ मस्ट। वेन एवर और वेर एवर मोर देन वन पर्सन इज एंगेज्ड, दैट मीन्स जहाँ पे भी आपका एक से ज़्यादा इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर टीम काम कर रही होगी टूवर्ड्स वर्किंग टूवर्ड्स अ कॉमन गोल, मैनेजमेंट बिकम्स नेसेसरी। इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेन एवर देर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग फॉर अ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट कम्स एंड मेक्स इट सेल्फ एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ इट। कमिंग टू द टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तीन लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। फर्स्ट इज टॉप मैनेजमेंट, देन वी हैव द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, देन लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉकिंग अबाउट द टॉप लेवल मैनेजमेंट, द टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेजिडेंट हो गए, वाइस प्रेजिडेंट, CEO, CFO, CMO, CTO, CEO, etc. ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो दे आर द वंस इन्वॉल्व इन द पॉलिसी मेकिंग स्ट्रैटेजी डिजाइनिंग प्रोसेस एंड मेकिंग की डिसीजंस दैट ड्राइव्स इन ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। और द मिडिल लेवल कंसिस्ट ऑफ जनरल मैनेजर्स, यूनिट हेड्स, ब्रांच एंड प्लांट हेड्स, दे आर अकाउंटेबल टू द टॉप की होल्डर्स, दे एक्ट एज ब्रिज बिटवीन द टॉप एंड द लोअर मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज देयर वर्क टू मेंटेन सिनर्जी विद बोथ ऑफ देम सो दैट द विजन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन बाय द कंपनी डू नॉट सफर। द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑफ डिपार्टमेंट हेड्स, सेक्शन ऑफिसर्स, टीम लीड्स, वर्कर्स, बेसिकली पीपल हु एक्चुअली डू वर्क ऑन द ग्राउंड एंड आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गोल्स सेट बाय द अपर मैनेजमेंट एंड द मिडिल मैनेजमेंट। टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट हम करते हैं, हमने जान लिया क्यों करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। पहला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सी, मैनेजमेंट यूटिलाइजेस ऑल द फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज लीडिंग टू इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज बाय प्रोवाइडिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इट यूजेस एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स विच यूजेस द स्किल्स, नॉलेज नीडेड विच इन टर्न्स अवॉइड वेस्टेज एंड गिव्स द डिजायर्ड रिजल्ट्स। काम करने को कैसे भी किया जा सकता है कंपनी में, बट अगर आपको आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा, दिस इज टॉट टू अस बाय मैनेजमेंट। इट रिड्यूसेस कॉस्ट, सो इट गिव्स द मच नीडेड बेनिफिट्स बाय प्रॉपर प्लानिंग, यूजिंग मिनिमम इनपुट एंड गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट। इट यूजेस द रिसोर्सेज इन सच मैनर दैट द कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज अचीव्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द रिजल्ट्स। इट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम, हाउ इट इनेबल्स the organizations to survive the changing dynamic environment. It keeps in touch with the changing environment. With the change in external environment, the internal coordination of organization needs to be changed. So it adapts organizations to changing demand of the market. It is responsible for growth and survival of the organizations. Management एक तरीके से ब्रिज का काम करता है कि जो आपके बाहर में कोई अगर इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं कंपनी में, बाहर कंपनी से बाहर, तो कंपनी में उसे कैसे सिनर्जाइज किया जाए, उसे कैसे कोलैबोरेट किया जाए, ये सारा काम इज टेकन बाय द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग द मैनेजमेंट प्रोसेस। अब हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, सो हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट हेनरी फियोल, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। हेनरी फियोल गेव अ न्यू परसेप्शन टू द कंसेप्शन और द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ही इंट्रोड्यूस्ड अ जनरल थ्योरी that can be applied to all levels of management in every department. The theory is practiced by the managers to organize and regulate the internal activities of an organization. So Henry Fayol, jinko hum father of modern management theory bhi bolte hai, unhone ek naya concept diya tha management ka,
उन्होंने एक नई जनरल थियोरी जैसे हम कह सकते हैं डेवलप की थी, जिससे मैनेजर्स एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर सकें और इंटरनल एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन की है उसे रेगुलेट कर सकें। जब इंटरनल रेगुलेशन आएगा उसके बाद ही हम एक्सटर्नल आउटपुट्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं। सो ही वॉज द फर्स्ट टू सजेस्ट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दैट आर रिकग्नाइज एज द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ मैनेजर्स वर्क बाय द मॉडर्न अथॉरिटीज ऑफ ऑन मैनेजमेंट। टॉकिंग अबाउट हेनरी फ्योल, ही वॉज अ माइनिंग इंजीनियर ऑफ अ लार्ज कोल कंपनी एंड सब्सिक्वेंटली ही बिकेम इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। सो वेन ही जॉइन द कंपनी इट वॉज ऑलमोस्ट बैंकरप्ट। When he retired after 30 years, the company was among the most successful enterprises with a good amount of profits and dividends for its shareholders. इससे हमें पता चलता है कि हेनरी फ्योल की जो टेक्निक्स थी, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसको इन्होंने अपनी कंपनी में कैसे यूज़ किया और कैसे बैंकरप्ट हो चुकी कंपनी को प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस में कन्वर्ट किया। दिस प्रूव्स टू एन एक्सटेंट that the 14 principles laid down had its foundational basis very strong and is still serving to the best of interest to the organizations. And now you can see it in your screen, principles of management, aur yahan pe uske 14 ke 14 principles yahan pe listed out hai. Let me read it out for you. First is division of labor, authority and responsibility, discipline, unity of command, initiative, esprit de corps, unity of direction, subordination of individual interests, remuneration, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity and stability. Thank you.